नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई अपडेट न्यूज़ लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो का संबंध जैसा कि थंबनेल के ऊपर जो दिया गया है उससे संबंधित है दोस्तों, यानी कि महात्मा गांधी संविदा शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों, जिनका भी फाइनल लिस्ट में चयन हो चुका है और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को हटाया है दोस्तों, उसके जस्ट बाद आप सबके मन में ये संशय पैदा होने लग गया कि क्या पता क्या होगा, भर्ती रद्द नहीं हो जाए कहीं या हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो। तो दोस्तों, बेरोजगारी की इस दौर में हर बेरोजगार के सामने होती है रोजगार की समस्या और आप सभी के सामने भी यही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा चिंता न करें, ये भर्ती 1% भी रद्द होने की कहीं से कहीं तक संभावना नहीं बनती है। और भी दोस्तों, यहाँ तक कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार की जो भर्ती है संविदा जो शिक्षक की जो भर्ती है या इस प्रकार की जो भर्ती है महात्मा गांधी जितने जो आपके जो विद्यालय खुल रहे हैं आप डेली देख ही रहे हो, उनकी जो विद्यालय जब खुल रहे हैं तो दोस्तों वैकेंसीज की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए दोस्तों, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जल्दी जल्दी जो स्कूल के अंदर जो टीचर्स मिले, योग्य शिक्षक मिले और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि अंग्रेजी का जो है उसमें पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, तो बहुत कम पात्र अभ्यर्थी के कारणों से भी, यानी कि आपके सभी का रिजल्ट आने के पश्चात, फाइनल रिजल्ट आने के पश्चात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो कब तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा या इस प्रकार का नोटिफिकेशन या नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, लगभग 15 तारीख तक आपको नई अपडेट मिल ही जाएगी। लगभग 15 तारीख तक नई अपडेट मिल जाएगी और 20 से 25 तक आप वेट कीजिए दोस्तों, नई जो अपडेट है आपके लिए। कब तक आपके जो स्कूल जिला अलॉटमेंट हो गए, इसके बाद विद्यालय अलॉटमेंट हो गए और ज्वाइनिंग, तो दोस्तों फाइनली हम कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग आपको इस महीने के लास्ट तक दे दी जाएगी या दी जा सकती है। अब दोस्तों, आपके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे या कुछ डाउट्स थे इस कंडीशन में, क्योंकि दोस्तों शेड्यूल जैसे हटाओ और कई सारे जो साथी हैं वो टेंशन में आ गए, तो दोस्तों आप निराशा न रखें, आप पॉजिटिव विचारधारा के साथ रहें। तो संशय की स्थिति क्या है दोस्तों? सबसे पहले, क्यों जिला आवंटन शेड्यूल हटा दिया गया है? तो दोस्तों, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का जो है रिजल्ट जो है वो आना बाकी है। उस बाकी रिजल्ट्स को देखते हुए दोस्तों, उसका रिजल्ट जैसे ही आएगा और आपका सभी का जो शेड्यूल से वो जिला आवंटन का शेड्यूल से वो फिर से जारी कर दिया जाएगा। इससे संबंधित जो न्यूज़ है आपको 15 जुलाई तक मिल ही जाएगी। और दोस्तों, अब आगे क्या अपडेट आएगी? तो आगे आपके जिला आवंटन की अपडेट बहुत ही जल्दी जारी होने वाली है। आप निराश न हो, हताश न हो और पेशन बनाए रखें दोस्तों, धैर्य बनाए रखें। इस समय आपको धैर्य की या पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। क्या ज्वाइनिंग इसी माह में मिलेगी? तो दोस्तों, इस माह के अंत तक आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड खुशखबरी मिल जाएगी। आप कतई निराश न हो और आप भी पॉजिटिव रहिए। स्कूल अलॉटमेंट कब तक होंगे? तो जैसे आपके जिला अलॉटमेंट होंगे उसके 10 दिन बाद पश्चात तक आपके, या 10 दिन के अंदर आपको स्कूल ज्वाइनिंग से रिलेटेड या सारी प्रोसेस हो जाएगी। दोस्तों, कहीं भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी? अगर भर्ती रद्द हो जाती है तो दोस्तों फिर फॉर्म भरवाने का क्या मतलब रहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या मतलब रहा, इतने सारे कैंडिडेट्स की जो आशा थी उस आशा का क्या मतलब रहा? तो दोस्तों, भर्ती जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से नियमों और प्रावधानों के तत्वाधान में या उसके अधीन ही की गई है। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स जो बनाए गए 2022 में, उस के अकॉर्डिंग ही आपका जो ज्वाइनिंग्स या भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया रद्द या भर्ती रद्द होने की कहीं से कहीं तक कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं या नहीं होगी। आप पेशेंट बनाए रखें और पॉजिटिव विचारधारा के साथ रहिए और धैर्य के साथ काम लीजिए। तो दोस्तों, भर्ती रद्द नहीं होगी क्योंकि आपसे फॉर्म भरवाए गए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स जो अप्रूव्ड हैं वो सारी प्रोसेस हुई, इसके बाद आपको जिला आवंटन का शेड्यूल तक जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, मेरिट आपका जो फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है, तो सारी की सारी जो भर्ती प्रक्रिया अगर फाइनली हम देखें तो दोस्तों कहीं से कहीं तक इस प्रकार का कहीं डाउट नहीं है कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी। तो आप
इस तरह की नकारात्मक विचारधारा न लाएं कि भर्ती रद्द हो गई हमारा क्या होगा, तो आप पॉजिटिव रहिए। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी न्यूज आपको 15 जुलाई तक मिल ही जाएगी, तब तक के लिए पेशन बनाए रखें। और दोस्तों, वीडियो में 2 दिन से नहीं डाल रहा था कि चलो आपकी जो शेड्यूल हटा तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि क्या कारण है, तो दोस्तों आपके लिए फिर से मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया, कुछ अपडेट न्यूज आपको दी और आपको ये अपडेट्स प्रोवाइड कराने का प्रयास किया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, जैसे ही नई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। थैंक यू दोस्तों।